बिहार एसएससी का एग्जाम कैसे होगा, होने वाला तो है नवंबर में, लगभग लेगा भी, उसके अनुसार आप लोगों को बताएंगे जो कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या पढ़े हैं सिलेबस के अनुसार। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पीयूष कुमार है। मैं यहाँ पर जब भी छुट्टियाँ मिलती है मैं आते रहता हूँ, आप लोग मिलते रहते होंगे। कुछ लोग अगर नए होंगे तो वो भले ही मुझे ना देखो, लेकिन जो पुराने होंगे वो सब जानते होंगे। मैं अभी दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में MTS के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। 2016 की जो वैकेंसी आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और 2019 में ज्वाइन कराया गया था। 2019 से मैं कंटिन्यू अभी तक उसी पोस्ट पे हूँ। मैंने उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम भी दिया था और दो एग्जाम निकाल चुका हूँ और उसके वेटिंग लिस्ट में हूँ। तो किसी भी साल या तो नेक्स्ट ईयर या फिर उसके नेक्स्ट ईयर प्रमोशन हो सकता है और उसके बाद हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि आपकी कंपटीशन उनसे हो रही है जो सिलेक्शन पा चुके हैं, क्योंकि मैं भी अभी बिहार SSC CGL की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपका आपके सामने कंपटीटर वो हैं जो सिलेक्शन ले चुके हैं, जिनकी तैयारी 5 साल 6 साल से है। तो आपको उतना पढ़ना पड़ेगा, उतना तैयारी करनी पड़ेगी जिससे कि आप उसके बराबर हो सके, उससे आगे निकल सके। कॉम्पिटिशन इसी का नाम है कि जो जीत रहे हैं उनको पीछे करना। रनर जो साथ में पढ़ रहे हैं, जो उनसे कंपटीशन नहीं है आपकी, आपकी कंपटीशन जो जीत रहे हैं, जो मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जो सफलता पा चुके हैं उनके साथ। तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा पूरा अपना ऊर्जा लगाना पड़ेगा शरीर का, जिससे कि आप उनको भी पीछे कर सकें और तब सिलेक्शन पा सके, पोस्ट पा सके और अपने आप को सफल, जो आप मंजिल लेके चले वहाँ पर पहुँच सकें। ठीक है, एक तो ये मोटिवेशन आपके लिए रहेगा कि आपकी कंपटीशन किसके साथ है, जो जीत चुके हैं, जो सफलता पा चुके हैं उनके साथ है। हमेशा ये सोच के रखिए कि आपकी कंपटीशन उनके साथ है जो तैयारी 4-5 साल से कर रहे हैं, प्लस जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके साथ। दूसरा मोटिवेशन के लिए, जो हमेशा आपको मोटिवेट करते रहेगा, आपको हमेशा देखना है कि जिस समाज में आप रहते हैं, जहाँ जिस मोहल्ले गाँव में रहते हैं, आपको वहाँ उस समाज में अपने माँ पिता को सर उठा ऊंचा करके फक्र से वो निकल सके। जब भी वो निकले बाहर, जब भी वो घूमे बाहर निकले, तो आस पड़ोस में जो भी हैं वो कहें हाँ ये इनके माँ पिता है, ये इनके बेटा ने, इनकी बेटी ने सिलेक्शन पाया है, ठीक है, सरकारी नौकरी पाया है। और जिस दिन आपके जिस दिन नौकरी लगेगी उसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने कुछ करके दिखाया, जिससे कि समाज में आपके साथ साथ आपके माँ पिता का भी सर जो है गर्व से ऊंचा हो गया, फक्र से ऊंचा हो गया। बाकी अगर आपको कुछ और इसके अलावा कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बस।